Hi everyone, मेरा नाम फराज है एंड आई एम अ 2021 ग्रेजुएट फ्रॉम DTU. करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट क्योरफिट. तो यार बचपन से लेकर अब तक सारी विशेष हमारी पेरेंट्स पूरी करते हुए आते हैं, हमारे चाहे वो बचपन के खिलौने हों, चाहे हमारे ग्रेजुएशन की बुक्स हों या लैपटॉप वगैरह हों. बट वंस यू स्टार्ट अर्निंग तो आपके मन में आता है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट किया जाए. तो यार ऐसी ही एक इच्छा मेरे मन में भी जगी कि यार इनको क्या गिफ्ट किया जाए. मैंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया बट मैं कुछ ऐसा नहीं गिफ्ट करना चाहता था जिससे वो सरप्राइज़ तो हो जाए बट उन्हें वो सरप्राइज़ पसंद ना आए. तो यार सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपनी मम्मी से. मम्मी से ये पूछा कि पापा को क्या पसंद है. ठीक है, मम्मी ने बताया कि उनको बुलेट पसंद है. फिर मैंने सोचा कि बुलेट गिफ्ट कर देते हैं, मतलब बजट में भी आ रहा था, काफ़ी सही था, मतलब बुलेट गिफ्ट कर दूंगा. बट पापा ने मना कर दिया उस पर. उन्होंने बोला एक पुरानी मोटरसाइकिल है, प्रॉपर चल रही है, पैसे वेस्ट मत करो. फिर बारी आती है मम्मी. तो मम्मी के लिए जो मैंने गिफ्ट डिसाइड किया वो भी उनको पसंद नहीं आया. तो यार मैंने सोचा कुछ एक्सट्रीम करके दिखाते हैं. तो यार ये है वो एक्सट्रीम. तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि ये घर गिफ्ट करते हैं. अब यार हर किसी का ड्रीम होता है कि वो मेहनत करे, जॉब करे और अपने घर वालों के एक अच्छा सा घर गिफ्ट करे. अब ये ड्रीम इतनी जल्दी अचीव हो पाएगा ये मैंने नहीं सोचा था. मैंने सोचा था कि लगभग 3-4 साल लगेंगे, 3-4 साल के बाद एक इनफ सेविंग हो जाएगी और उसके बाद एक अच्छा सा घर गिफ्ट कर देंगे. अब यार मैंने 22 में किया और कुछ लोग ये ड्रीम मेरे से पहले भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपनी स्टोरी. बाय द वे जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं ये है मेरे मम्मी पापा का रूम और इस घर का सबसे बड़ा बेडरूम है. तो यार वैसे तो जॉब करते हुए अभी मुझे 6 महीने ही हुए हैं बट मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग करी अपने इंटर्नशिप से. तो यार ये बात है मेरे सेकंड ईयर की. जैसे ही मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ कंपनीज आना स्टार्ट हो गई फॉर इंटर्नशिप और मेरी एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लग गई. दैट कंपनी वॉज SAP लैब्स एंड प्रोफाइल वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, तो वहाँ से जो मुझे 2 महीने का स्टाइपेंड मिला मैंने उसको सेव किया रेदर देन वेस्टिंग इट. वेस्टिंग नहीं, वैसे तो कुछ लोग उसको इन्जॉय कर लेते हैं, अब मैंने उसको सेव कर लिया. अब यार मुझे पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था. मैं अपनी बहन को 11th-12th क्लास से ही पढ़ाता हुआ आ रहा था और वही मैंने उसकी प्रिपरेशन करवाई कोडिंग के लिए. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए और यही चीज़ मैं दूसरों को भी पढ़ा पाऊँ. तो 2020 के January 25th को मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया. ठीक है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको कितना ग्रो करूँगा. मैंने सोचा था बस जो भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ वही सेम चीज़ मैं अपलोड कर दिया करूँगा जाके. ठीक है, अब देखते देखते चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ बट जैसा कि आपको पता है कि YouTube से जो अर्निंग है वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी अनटिल 1 ईयर. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, उसके बाद कंपनीज आने लग गई फुल टाइम ऑफर के लिए. तो फाइनली मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग गई, दैट इज़. तो अब क्या था, मेरे पास पूरा 1 साल था. अब इस साल को मैं अच्छे से इन्जॉय कर सकता था बट ड्यू टू कोविड ना हमारी कॉलेज ट्रिप हो पाई ना मैं कहीं बाहर जा पाया. तो मैंने सोचा कि इस टाइम को कुछ अच्छे से यूज़ करते हैं, कुछ अच्छी स्किल डेवलप करते हैं. अब मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई थी, दैट इज़ माई YouTube चैनल. तो मैंने सोचा इसी पे जो भी मैंने तैयारी की है फॉर फुल टाइम फॉर इंटर्नशिप, जो भी मैंने अपनी बहन को पढ़ाया है. बाय द वे मेरी एक छोटी सिस्टर है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो शी इज़ ऑल्सो प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट. तो मैंने वही चीज़ स्टार्ट कर दी अपने YouTube चैनल पे डालना सो दैट और लोगों की भी हेल्प हो पाए. ठीक है, अब मैं कंटेंट बनाता था इंग्लिश में तो ये कंटेंट फॉरेन के जो लोग हैं उनके पास पहुँचा एंड दे स्टार्ट अप्रोचिंग मी. ठीक है, तो मेरे पास DMs वगैरह काफ़ी सारे आना शुरू हो गए कि हमें भी मेंटोर कर दो, पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SDE प्रोफाइल्स. तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरा जो नेटवर्क है वो बढ़ा. मैंने कई सारे लोगों को पढ़ाया इन द स्पैन ऑफ दिस 1 ईयर. ठीक है, अब देखो टाइम क्या होता था. तो बेसिकली मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करता था रात के कुछ 12-1 बजे से और सुबह 4-5 बजे तक मैं उनको पढ़ाता था क्योंकि यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ रात होती है. ठीक है, तो मेरे लिए उस पर्टिकुलर टाइम में दिन और रात बिल्कुल बराबर थे. बट 1 साल तक मैंने कंटिन्यूसली ये काम किया, बाकी और सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी पढ़ाया जैसे कि आप लोग जानते ही हैं. अब उसके बाद फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई जो कि प्रॉपर फुल टाइम जॉब है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके बाद ये सब थोड़ा कम हो गया बट देन अगेन दिस जॉब इज़ अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम और अभी मुझे काम करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं. बाय द वे जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये है मेरा बेडरूम. और पुराने वाले घर में क्या था कि वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी बिकॉज ऑफ स्पेस. ठीक है, तो ड्राइंग रूम को मैंने ऐसे 2 हिस्सों में बांट रखा था. छोटा सा पार्ट मेरा था जहाँ पर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता था और छोटा सा पार्ट गेस्ट वगैरह के लिए था. अब यहाँ पर आके मैंने यूट्यूब के लिए एक बहुत ही तगड़ा सा स्टूडियो बनवाया हुआ है. ऐसे ये मम्मी का फेवरेट एरिया है किचन. तो यार ये है अपना स्टूडियो जहाँ पर मैं बहुत ही पीसफुली वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँगा. यहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं आएगी, हाँ थोड़ी बहुत एको है और बहुत कुछ अभी इसमें होना बाकी है बट फिलहाल
पीसफुली मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो यार ये था मेरी तरफ से मेरे पेरेंट्स के लिए गिफ्ट। अब यार इसको अचीव करने के लिए मुझे काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं, मुझे ही नहीं मतलब मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है। मेरे पापा एक डिफेंस बैकग्राउंड से थे, हम लोग का ट्रांसफर इधर उधर आता रहता था, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे, बहुत सारे ऐसे फैमिली ओकेजन्स थे, इनफैक्ट एमरजेंसीज भी थी जिनको पापा अटेंड नहीं कर पाए, मम्मी अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है। इसी तरीके से मैं भी काफ़ी सारे फंक्शंस में नहीं जा पाया, बट स्टिल जैसा कि स्टीव जॉब्स का एक जो कोट है, व्हेन यू लुक बैक द डॉट्स गेट कनेक्टेड। तो यार दुनिया में हमारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, बट बदले में उन्हें सिर्फ आपकी सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को खुश करो, अपने आप को सक्सेसफुल बना के, कोई गलत काम ना करके, और छोटे मोटे जो भी गिफ्ट्स आप दे सकते हो वो देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यही गिफ्ट करो, छोटा हो बड़ा हो, उनके लिए हर एक गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो आई होप आप लोगों को जो मेरी स्टोरी है वो पसंद आई होगी। तो कनेक्टेड रहना, एजुकेशन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और इसी फील्ड को आगे लेके जाना है तो बहुत कुछ आगे आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड, लाइक द वीडियो, टेक केयर।